राज्याभिषेक पर समस्याएं समाप्त नहीं होती, आरंभ होती हैं। किसी व्यक्ति का राजा बन जाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। यदि राजा सावधान न रहे तो ये दुर्घटना में भी बदल सकती है। और युधिष्ठिर को जो राज्य मिल रहा है उसकी तो सीमा रेखा ही विभाजन रेखा है, लेकिन इस मीठी घड़ी में हम कड़वी बातें क्यों करें? वास्तविकता तो ये है कि श्री कृष्ण ने खांडव प्रस्थ को पांडवों की कर्मभूमि कह दिया है, तो उसे पांडवों की कर्मभूमि बनना ही होगा। और इसके लिए युधिष्ठिर का राज्याभिषेक आवश्यक है।